आज भी हमारे देश के किसानों को जरूरत है, इसलिए हर साथी कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता किसानों के हक में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। सत्ता पक्ष का काम होता है लोगों के हित के कानून बनाना, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज का सत्ता पक्ष लोगों के हित के कानून बनाने की बजाय लोगों को कैसे खत्म किया जाए इस प्रकार के कानून बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बिल पारित करके किसान को मारने का काम किया, मजदूर को मारने का काम किया, व्यापारी को मारने का काम किया। तो आज कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष में, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के किसान के लिए काम किया, मजदूर के लिए काम किया, व्यापारी के लिए काम किया, और आज जिस प्रकार केंद्र की सरकार इन सभी वर्गों को खत्म करने पे तुली हुई है, तो आज हम सभी जिला कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ता आदरणीय चट्टा साहब, विधायक मेवा सिंह जी और सभी जिला के पदाधिकारी कार्यकर्ता, हम इकट्ठे होकर आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि ये अध्यादेश तुरंत सरकार को वापस भेजा जाए, इन पे कोई साइन ना किया जाए। अगर इन पे साइन होता है तो निश्चित रूप से किसान और गरीब के ऊपर डेथ वारंट पे साइन करने जा रही है। तो इसका विरोध करने के लिए आज सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों पे। हरियाणा बंद का आह्वान किया है भारतीय किसान, उसमें भी कांग्रेस उनके साथ रहेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हर और उस आंदोलन में साथ है जो शांति प्रिय तरीके से गांधीवादी नीति से होगा, कांग्रेस पार्टी उसका साथ देंगे। और कांग्रेस पार्टी उन आंदोलन में साथ नहीं होगी, बल्कि हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि जैसे ही कोरोना महामारी खत्म होगी, कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि से, ज्योतिषर से, जहां भगवान कृष्ण ने स्वयं अन्याय के खिलाफ गीता का उपदेश दिया था, वहां से लड़ाई शुरू करेंगे। और निश्चित रूप से वहां से उठी हुई चिंगारी पूरे देश के अंदर फैलेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार का खत्म होगा और किसानों को, व्यापारियों को उनका हक मिले। पूरे देश के किसानों की समस्या रखी, वहाँ हमारी एक लोकल समस्या है जो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ के कुरुक्षेत्र के लोग नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र क्योंकि तीर्थ स्थान है, बाहर से आने वाले लोग भी उस समस्याओं को झेल रहे हैं कि किस प्रकार रेगिस्तान बना के रख दिया, सड़कों पे मिट्टी उठती है, रेत उठता है, पत्थर उठते हैं। तो हमने आज क्योंकि जिला उपायुक्त उतने ही थे, CTM से कहा कि DC साहब को कहो कि मैडम अपने पावर का इस्तेमाल करके अगर ये सड़क नहीं बनती, कम से कम पहली हालत में तो कर दो, कम से कम पत्थर तो दबा दो, कम से कम पानी तो इस पे बिछा दो ताकि लोग इस पे बच सकें। किसान के, गरीब के, व्यापारी के सख्त खिलाफ है। बदकिस्मती की बात यह है कि जब इसकी नोटिफिकेशन की गई, कुछ इम्पॉर्टेंट आदमी इसमें बैठे रहे, अगर वो उस वक्त निकल के बाहर आ जाते तो पोजीशन और होती। अब भी जो किया है बहुत सारे बीच में बैठे हैं। मैं आप सब भाइयों को एक वायदा करता हूँ, एक प्रामिस करता हूँ कि कांग्रेस इसके खिलाफ खूब लड़ेगी और परमात्मा करे ये कांग्रेस जीत जाए, कांग्रेस इस गंदे कानून को ख़त्म कर देगी, ये आपका वायदा है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जो 3 अध्यादेश लेके आई है, काले कानून लेके आई, इसके खिलाफ DC के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया कि इस काले कानून पे दस्तक ना करें और इसकी लड़ाई चाहे सड़कों पे लड़नी पड़े या विधानसभाओं में लड़नी पड़े, शान की लड़ाई करने का काम करेंगे। अभी पिछले दिनों चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी विधायक माननीय राज्यपाल जी से मिले थे और स्पेशल विधानसभा का अधिवेशन बुलाने की मांग की थी। जो ऐसे रेजुलेशन पंजाब विधानसभा में अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, वैसे ही रेजुलेशन हरियाणा विधानसभा में पास करवाने का काम करेंगे। अपनी कुर्बानियां दी है और आज भी हमारे देश के किसानों को जरूरत है, इसलिए हर साथी कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता किसानों के हक में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा।